हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो प्रश्न संख्या 72, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो कौन सा अधिनियम है जिसमें कि कुछ भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा लेने में संभव बनाया था? इसके चार ऑप्शन, ए है चार्टर एक्ट 1833, बी है चार्टर एक्ट 1853, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इन चारों में जो सही जवाब है वो है चार्टर एक्ट 1853। तो चार्टर एक्ट 1853 की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको बता देते हैं। ये जो है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। तो जो ये चार्टर एक्ट 1833 है इसी के द्वारा ही देश का पहली बार केंद्रीकरण हुआ था। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो इसी एक्ट के द्वारा 1833 एक्ट के द्वारा ही जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का कानून बना सकता था, किंतु नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाता था। मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया था। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। ये जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही जो गवर्नर जनरल को सलाह देने की एक सदस्य समिति होती थी उसमें तीन व्यक्ति होते थे, चौथे व्यक्ति को 1833 में शामिल किया गया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनैतिक दायित्व सौंपा गया था। तो इसी में जो है चाय और चीन के साथ व्यापार सहित अन्य एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया था। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो इसी समय 1833 में ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। भारत में जो एक बहुत ही विशुद्ध क्रूर प्रचलित थी वो थी दास प्रथा। तो इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा के विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया था। तो ये जो है दास प्रथा, में इसका जो है समाप्त कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। तो इस जो धारा 87 है इसमें धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग आदि के आधार पर अयोग्य ठहराने का उपबंध किया गया था। जो गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करने के लिए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। तो जो
इसमें है एक बजट। एक बजट की भी परिकल्पना इसी अधिनियम से आई थी। भारत के संविधान निर्माण के आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देते हैं। तो जो है भारत का जो संविधान निर्माण कार्य की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो इसी में आंशिक रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हो चाहे मूल कर्तव्य वो इसमें थोड़ा थोड़ा परिलक्षित होते हैं, क्योंकि धर्म जन्म स्थान मूल रंग के आदि पर अयोग्य ठहराना ये सब जो है इसी अधिनियम के अंतर्गत पारित हो गए थे। इसलिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। तो इस अधिनियम के द्वारा ही चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था भारतवासियों को। फिर था 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, जबकि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षाओं का आधार बनाया गया। तो ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था इसी के जरिए जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ही जो पद चयन होते थे उनका जो है चयन स्टार्ट हुआ। फिर है भारत सरकार का 1858 अधिनियम। ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। भारत में अपनी कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व असुविधाजनक क्लेशकर तथा जटिल हो गई थी, जिसके कारण 1857 की राज क्रांति फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामिस्टर ने कंपनी शासन को समाप्त हेतु विधेयक प्रस्तुत किया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। अप्रैल 1858 में संसद का दूसरा विधेयक भारत सरकार अधिनियम 1858 एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया। इसके द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर सम्राट के हाथ में सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत राज्य के सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। जो पहले था वो गवर्नर जनरल वो जो था वो जो है कंपनी के प्रति उत्तरदायी, लेकिन अब जो है 1858 के बाद ये जो है ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो इसी जो 1858 का चार्टर एक्ट है उसी के जरिए जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। फिर है भारत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें जो है 1861 के अधिनियम द्वारा भारत के संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से अधोलिखित व्यवस्थाएं की गई, जिसमें कि गवर्नर जनरल को विधायी कार्य हेतु नए प्रांत के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया।
अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पांचवें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया था। केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार, धर्म और स्वाधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्राप्त किया गया। भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाली सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों को सभी स्थानों एवं वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है 1861 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाए गए, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। तो ये जो 1861 अधिनियम है, यहीं से जो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी। गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था, जो इसी 1861 का एक्ट है, इसी के जरिए गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। मद्रास एवं बम्बई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका का तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ था। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।